18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही यूरोप में कई सेविंग बैंक खोले जा चुके थे और लाखों लोग उनकी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे थे। जब अमेरिका के लोगों ने इन बैंकों का फायदा देखा तो उन्होंने भी इस तरह का बैंक अमेरिका में खोलने की तैयारी की। आज ही के दिन 3 जुलाई साल 1819 में अमेरिका के पहले सेविंग बैंक की शुरुआत हुई। ये अमेरिका का चौथा सार्वजनिक बैंक था। शुरुआत में अखबारों में इसे गरीबों का बैंक कहकर प्रचारित किया गया। इस बैंक को खोलने का उद्देश्य समाज के निचले तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना और उनकी सेविंग को सुरक्षित करना था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे और ज्ञानवर्धक लगते हैं तो वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर किया करें। इससे हमें ऐसे ही और वीडियोज बनाने की प्रेरणा मिलती है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन द्वारा नए वीडियोज की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल करना न भूलें। दोस्तों, इस बैंक की शुरुआत का श्रेय थॉमस एडी को जाता है। थॉमस ने 25 नवंबर 1816 को इस बारे में पहली मीटिंग की। कई मीटिंग के बाद बैंक का एक लिखित संविधान तैयार किया गया और बैंक को सेविंग बैंक ऑफ न्यूयॉर्क नाम दिया गया। तय किया गया कि $5 से $50 तक के डिपॉजिट पर 5% सालाना ब्याज दिया जाएगा। इससे ज्यादा की राशि पर ब्याज दर 6% होगी। ग्राहकों को एक डायरी दी जाती थी जिसमें लेन देन का सारा हिसाब किताब होता था। आज ही के दिन 1819 में बैंक की शुरुआत हुई। बैंक को लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला और महीने भर में ही करीब 1000 अकाउंट खुल गए। कहा जाता है कि सिविल वॉर के दौरान जब अमेरिका के बाकी बैंक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे तब भी इस बैंक में $11 मिलियन का बैलेंस था। 1982 में इस बैंक को बफेलो सेविंग बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। 1991 में ये बैंक दिवालिया हो गया और सरकार ने इसे 2 कंपनियों को बेच दिया। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।